वेल सिजारो का ये मैच जितना बहुत ही बड़ा बिग डील होगा सिजारो के लिए, आई थिंक सो। वेल तो है गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिजारो के मैच के बारे में, क्या सिजारो रेसलमेनिया बैकलैश पेपरव्यू में जो रोमन रेंस को हरा के डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। सो इस बारे में बात करने वाले, सोनो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिजारो वर्सेस रोमन रेंस का जो मैच हमें देखने को मिलेगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रेसलिंग वाइज बहुत ही बेस्ट मैच देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो चांसेस है ये सबसे ज़्यादा चांसेस जो है कि रोमन रेंस के, कि रोमन रेंस इस मैच को जीत जाएंगे एंड सिजारो को हरा देंगे। बट ऐसा क्या हमें देखने को मिल सकता है एज अ सिजारो कि सिजारो ऐसा कुछ काम करे, ऐसा कुछ ओवरकम निकाले जहाँ से वो रोमन रेंस को हरा के बन जाए न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन, जो नाउ की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस टाइम पर रोमन रेंस का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है ना कि जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड यहाँ पर वो ऐसा सुपरस्टार है कि जिसे मतलब वो कोई भी तरीका, कैसा भी तरीका लगा के ये मैच रोमन रेंस जीतने की कोशिश ज़रूर करेंगे एंड यहां पे वो जीत भी जाएंगे। बट ऐसा थिंग हमें देखने को मिल सकता है कि क्या सिजारो इसे होने से रोक पाएंगे, क्योंकि सिजारो तो अकेले ही रहेंगे, उनके सामने तीन बंदे हैं, जिमी उसो, जे उसो एंड उसके साथ साथ रोमन रेंस के साथ मैच। और यार मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर यहां पे अगर सिजारो इन सारी चीजों को ओवरकम करते हुए चैंपियन बन गए, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन नए बन गए। सो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट और इनक्रेडिबल थिंग बन सकती है सिजारो के साथ में। एंड ये माना जाएगा सिजारो के पुश का सबसे बड़ा हिस्सा जो कि WWE इनको एक्चुअली में देना चाहती है। सो नाउ कि ये हमें बहुत ही बड़ी थिंग देखने को मिल सकती है। एंड आई थिंक सो अगर सिजारो इसमें चैंपियन बनते हैं तो ये भी बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। सो अगर मेरे को तो नहीं लगता कि सिजारो एज ए चैंपियन बन पाएंगे, बट अगर चांसेस है तो यार सिजारो बन जाएंगे तो बहुत बड़ी बात भी होगी। सो वेल आई थिंक सो ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। तो आपके ओपिनियन से क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। एंड सो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।